बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, देखिए हम बना रहे हैं रवा सूजी का। सूजी बना रहे हैं हमने उसके लिए चाशनी को तैयार कर चुका है। देखिए गाइस, हम ये फ्रूट कलर मिला रहे हैं इसमें कि जो कि इसको अच्छा कलर आए चाशनी में, रवे के अंदर जो कि इसमें अच्छा कलर आ रहा है। देखिए चाशनी में इससे हमने ये घी लिया है। अब हमने इसको कढ़ाई में डालेंगे और इसको अच्छे से पिघलन देंगे। जो कि ये पिघल जाता है तब हम सूजी को छान के तैयार कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारा घी बन गरम हो चुका है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। एक कटोरी सूजी है ये, जो कि हम इसमें भून लेंगे इसको अच्छी तरीके से घी में। इसको हलाते रहेंगे कि ये ताकि लगे ना नीचे। इसमें थोड़ा सा और घी डालेंगे। भुनते भुनते घी डालते रहना चाहिए, इसमें अच्छी खुशबू आती है। और जब ये भुन के रेडी हो जाए तो इसमें से अच्छी खुशबू आने लगती है। हमने चाशनी बना के रेडी की थी, अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी मिलाते रहेंगे। हेलो गाइस, देखिए हमारा सूजी का हलवा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और ऊपर से कि ताकि इसमें टेस्ट अच्छा आ सके। हेलो गाइस, देखिए हम इसको अब लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे कि ताकि ये लगे ना। और अब हम इसमें थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे। देखिए हम अब इसमें थोड़ा सा और घी ऊपर से ऐड करेंगे कि जो कि ये टेस्ट अच्छा देगा। हम ये घी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिए गाइस, हमारा सूजी का हलवा बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हम खाने के लिए लेके जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आए हैं। और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट हमने ऊपर से डाले हैं और जो कि उसमें मिलाए नहीं थे।